हेलो गाइस, मेरा नाम है गाइस, दीबू और आप देख रहे हैं मेरे फ्यूचर राइवल चैनल को। और आज हम बात करने वाले हैं गोड रैंक के बारे में। तो आप जानते होंगे कि ड्रैगन बॉल लैंड्स में गोड रैंक ऐड किया गया है रैंक्स में। पहले ये नहीं था, अब देखा जाए तो 70 रैंक होते ही आप गोड रैंक के लिए ट्राई कर सकते हैं, पर हम नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं गोल्ड रैंक। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम दीपू है। तो आज हमारे को बात करना है गोल्ड रैंक के बारे में। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर गोल्ड रैंक पाना चाहते हैं तो आप सिर्फ ट्राई कर सकते हैं जब आपका पीवीपी रिसेट हो। तो आप मैक्सिमम 2 से 3 घंटे आप पीपी को लगातार खेलें, जिससे आपकी आरपी बढ़े। और वैसे भी आप तो डबल आरपी भी मिल रही है, तो आप जल्दी भी पहुंच जाएंगे गोल्ड रैंक पे। और आपको मैं एक और सलाह देना चाहूँगा कि आप फ़ोन में एक वीपीएन ज़रूर कनेक्ट कर लें। वैसे मैं अपना वीपीएन कनेक्ट करता हूँ, क्विक वीपीएन, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप देख ही सकते हैं कि मैं अभी किस रैंक पे हूँ। और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आपको गोल्ड रैंक एक दिन में नहीं मिल पाएगी, क्योंकि गोल्ड रैंक 70 रैंक के बाद ही हो पाती है। तो 70 रैंक आपका एक दिन में नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप देख ही सकते हैं टॉप 1 के भी अभी तक 70 रैंक नहीं है। उनकी आरपी भी देखो, वो भी गोल्ड रैंक नहीं होंगे। तो आप ट्राई करना कि आपको ये 1 वीक में तो मिल ही जाएगा। और आप ट्राई करना, आपको बस 2 से 3 घंटा पीपी को लगातार खेलना है, आपको फिर गोल्ड रैंक मिल जाएगी वन वीक के अंदर। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। मैं आऊँगा अगली वीडियो के साथ, और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। There's no point in continuing this fight.